एम्बॉडीमेंट है कि किस तरीके से एम्पावरमेंट या सोशल रिवॉल्यूशन क्या चीज है, आप हमें सर उसके बारे में बताएं। इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ना तो मेरी शब्दावली में वो बात है, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी नहीं, मैं वक्ता भी नहीं हूँ, तो सिंपली हम लोग वैसे ही आम इंसान है। तो उसका नाम यही था अम्बेडकर इन एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन, ठीक है। तो ऐसा है, मैंने तीसरी क्लास और बुद्धा इन एक्शन, तीन नाम दे सकता हूँ मैं। मैंने तीसरी क्लास जो हमने पढ़ना शुरू किया, तीसरी क्लास में हमने राजकुमार गौतम, सिद्धार्थ गौतम और उनका हंस एक कहानी हमने पढ़ी। तो कहानी थी तीसरी क्लास में पढ़ी, जरूर उत्तर प्रदेश में चलती थी उस जमाने में, जो उत्तर प्रदेश में पढ़े उन्होंने पता होगा, वो कोई तीर भी मार देता तो उसको वो लेके जाता है, उस तरह की कहानी थी वो। उसका बात लंबी हो जाएगी तो शॉर्टकट में ऐसे कहेंगे, तो उसको मैंने पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ा तीसरी क्लास में, तो विद्रोह की शुरुआत वहां से हुई। हमारे मैं भंगी हूँ तो सुअर नहीं कटेगा तो बात नहीं बनेगी, और दारुणी होगी तो ये कोई बात नहीं बनेगी। तो उस टाइम के बाद है, आज का दिन है, मैंने अपने हाथ से सिर्फ एक मुर्गी काटी है, वो भी मजबूरी में, घर में कोई नहीं था, हमारी माँ थी, तो भाई मैंने अपने हाथ से, वो राजकुमार वो तो बुद्धा से प्रभावित हुआ। उसके बाद छठी क्लास में चले गए हम दिगंबर जैन इंटर कॉलेज, वहाँ बहुत बड़ो थे, हमारा चरण सिंह का इलाका है, तो बड़ा जबरदस्त जातिवाद है वहाँ। तो उसमें क्या हुआ, तो हमारे पिताजी ने जैन कॉलेज में एडमिशन कराया हमारा, एक जाट कॉलेज था, बाद में उसका जनता वैदिक नाम हो गया, उसमें एडमिशन करा दिया। छठी क्लास में हमें पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला, वो छोटी छोटी किताबें होती थी ना अमर चित्र कथा की तरह की पतली पतली, वहां से अम्बेडकर ऐसा चिपका हुआ है कि आज भी दिमाग में लगा हुआ है, और जो कुछ भी है ये अम्बेडकर, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग शिक्षित हुए हैं। तो ये बता देता हूँ थोड़ा सा, तो अम्बेडकर की वजह से मैंने कितनी शिक्षा प्राप्त की, एमए सोशियोलॉजी, एमए हिंदी, एमए एजुकेशन, एमए डिस्टेंस एजुकेशन और हिस्ट्री। उसके बाद पोस्ट एमए, एमए के बाद जो होता है ना लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान, ये पोस्ट एमए है, और ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेटर भी बन गया उसकी वजह से। पीजी डिप्लोमा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और डिस्टेंस एजुकेशन, जर्नलिज्म, पीजी सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में, सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में, नॉन वायलेंस में, गांधीवादी में, आर्ट एप्रिसिएशन नेशनल म्यूजियम से, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशनल गाइडेंस बच्चों को जो पढ़ते नहीं है, कंप्यूटर मैंने 85 में सीखा, जब राज जब ये अपने क्या नाम था आप जो है आपके जो आस पास बैठे हुए हैं ना इन सबको जो है कॉम्प्लेक्स दे रहे हो आप। शादी हो गई, और 79 में मैंने 12वीं पास किया है, 74 में किया था मैंने 10वीं, इन बिटवीन इधर उधर दिहाड़ी मजदूरी करते रहे, और 78 में दिल्ली आ गए। 78 में दिल्ली में आके हमने कालकाजी नेहरू प्लेस, जहाँ आजकल माउंट कैलाश है, आरजी स्टोन जहाँ बना हुआ है, वहां पे कागज के गोदाम पे हमने कागज बीनने का काम किया 82 तक। ये पढ़ाई 79 के बाद 12वीं वहीं से हुई, बीए भी वहीं पे कर लिया कागज बीनने के दौरान ही, कि नेहरू प्लेस हमारे सामने बना है, जीके पार्ट वन तो ऐसे खुला खुला पड़ा था, ठीक है। तो बात यह है कि हमने वहां पढ़ते पढ़ते
मैं 12वीं के जब पेपर देने जाता था, प्राइवेट होता था उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं जानते होंगे, यहाँ से मेरा गांव है मलकपुर, पड़ोस से 2 किलोमीटर वेस्ट में 3 किलोमीटर, मैं गांव में घर पे नहीं जाता था, वापस दिल्ली आया अपने टाइम को बचाने के लिए। सवेरे 4 बजे से काम करना पड़ता था कबाड़ी वो कागज वाले के पास, रात के 9-10 बजे तक। उसके बाद डीबीए की रोशनी में झुग्गी डाल रखी थी उसने, वहाँ वो भी मना कर देता कि इसमें झुग्गी में आग लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब ऐसे पड़ा, फिर वो कांच वाँच गूदड़ ये सब करना, अलग अलग कागज भी और गूदड़ वूदड़ का भी, बरसात हो जाती थी, वो एक लंबी स्टोरी है, वो आत्मकथा में लिखूंगा। तो उसके बाद मैं 1982 में बस कंडक्टर बन गया डीटीसी में, सभी चक्कर लगाए, पूरी दिल्ली छानी हुई हमने। 82 से 93 तक मैंने बस कंडक्टर रहा, मैंने वहां से मेरा एसएससी टेस्ट पास हो गया, कोई कोचिंग नहीं कुछ नहीं, ऐसी किताब किताब पढ़ते थे, मेरे को किताब वाला कंडक्टर बोलते थे। मुझे बाद में पता चला, शुरुआत में ही बोलते थे। जब मैं ट्रांसलेटर बन गया ना, तो फिर मैं अपने दोस्तों से मिलने गया डिपो में, कह रहे यार तुझे किताब वाला कंडक्टर बोलते थे, क्योंकि मैं किताबें लिए रहता था हमेशा, दो बस स्टॉप के बीच में जो गैप आता था ना, उससे भी किताब खोल के पढ़ता था। फेसबुक पे एक कहानी सर आपके बारे में हिमांशु कुमार जी ने लिखा था, जो ट्रेंड कर रहा था, जो अन्ना कारेनिना जो है ना, वो मैंने 15 डेज में बस में टिकट बांटने के दौरान पढ़ दिया। अमेरिका से था ना वो रशियन सेंटर जो पे वहां लाइब्रेरी थी, वहां से लेके मतलब इतना पढ़ा। एक थे हमारे जो पहले भगत सिंह कॉलेज था ना, पहले वहां था जी गोविंदपुरी में, ठीक है ना, वो जब एक प्रोफेसर आए, अरे यार तुम इतना पढ़ते हो, तुम हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, मतलब अच्छा लगता था लोगों को भी कि भाई पढ़ने वाला है। लोग हमारी बस में आते थे, वो कहते अरे भैया एक 373 बस चलती थी, मतलब लोग ये सोचते थे कि आप कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम बस में ही नहीं बैठे हो भाई, प्रेम पूर्वक व्यवहार से ना। तो इस तरह से 1993 तक मैं बस कंडक्टर रहा, फिर मैं बन गया ट्रांसलेटर। 2.5 साल रहा मैं अपने नॉर्थ ब्लॉक में, मेन मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में। 4 साल 95 से फिर 99 तक रहा मैं लोकसभा में ट्रांसलेटर। अब 99 के बाद से फिर मैं यहाँ पे अपने सीजी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसलेटर ही हूँ। 2005 से ड्यू है प्रमोशन, लेकिन जातिवाद इतना जबरदस्त है, प्रमोशन देने को राजी नहीं है। मार्च में रिटायरमेंट रिटायरमेंट हो जाएगा ना, तो उससे खाली पड़ी है, सब कुछ है, लीगल है, लेकिन नहीं करना, इतना जबरदस्त है कि मेरी मेरे को चार्ज शीट कर दिया। अच्छा इन बिटवीन भी भूल गया, मेरे खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की ना, अभी मैं बता रहा था दीपाली को, शुरुआत कहाँ से की, फेसबुक से। मेरा फेसबुक खंगाला गया, उसमें गांधी की पोस्ट निकल आई, मुझे बुला के कहा ये गांधी वाली पोस्ट है भैया, अब तो तेरा काम हो गया। तो हमें पता था कि इससे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं हुआ। बाद में झूठा मूठा केस बना के मुझे चार्जशीट करके मेरी तनख्वाह भी कटवा दी, मेरी तनख्वाह तो वापस होगी, लेकिन उस बंदे के जिसने कटवाया है उसके कई लाखों रुपए की कटौतियां करवा दी मैंने। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना भाई, मुझे पता है कि इसने क्या गलती की है, अभी भी कटौतियां हो रही है। और हाल ये है मैं ट्रांसलेटर हूँ, 4600 का मेरा बेसिक स्केल है, वो क्या बोलते हैं ग्रेड बी, और उसका 7600 का है। लिफ्ट में कभी सामने वो खड़ा हुआ है और मैं सामने से गुजर जाऊं तो लिफ्ट में ऐसे सर जाता है, वो जेटी है, ब्राह्मण है। तो ये शक्ति कहां से आ रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ता हूं। मेरी यूट्यूब पे आप देख लीजिए, वो मेरी लाइब्रेरी जब किताबें इतनी पढ़ रही, मैं 47 किताबें एक महीने में पढ़ डाली, ड्यूटी करने का ड्यूटी भी करता हूँ, घर बार भी सब चलाता हूँ। एवरेज 800 किलोमीटर मेरी जो टू व्हीलर है, एवरेज 800 किलोमीटर चलता है पर मंथ, ठीक है। ये सब करते करते बच्चे हुए, 22 साल मैंने झुग्गी में गुजारे, 1980 के करीब से लेके 2001 तक, त्रिलोकपुरी झुग्गी में। झुग्गी अभी भी है, कुछ आप देख सकते हैं, रजनी तिलक मेरे घर गई थी उस जमाने में जब मैं झुग्गी में रहता था, उसे याद है अभी भी, तब हम जानते नहीं थे कि रजनी तिलक, ठीक है ना, लेकिन वो मेरे घर पे गई थी झुग्गियों का सर्वे परवे करने के लिए। मेरी बेटी, मेरे 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, बड़ी बेटी
एमए हिस्ट्री किया है उसने, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट किया है, जैन फैमिली में शादी हुई है, उदयपुर में रहती है, अभी आई थी कल ही आई है। छोटी बेटी मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, बेटे ने भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, बेटे ने एमए हिंदी भी किया है। और ये सारी पढ़ाइयाँ तब हुई हैं जब बच्चा 27 ग्रुप लोकप्रिय का अगर कोई स्टडी देखा हो किसी ने, टीचर आते ही नहीं है। मेरे बच्चों ने 10th ओपन से बीए, 12th ओपन से बीए एमए सब ओपन से इग्नू से और एनआईयूएस से की है सारी पढ़ाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन एक्शन है, पढ़ाई मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं है, पढ़ाई को अप्लाई भी किया है अपने घर में भी। जैसा कि वो क्या अनिता भारती जी भी कहती है कि भाई दलितों में हमारी जो स्त्रियां हैं उनको भी झेलना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने घर में तीनों मेरी बेटियां, मेरी वाइफ बराबर का व्यवहार है, तो मेरा इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन लिखा है इसलिए। मतलब कहने का ये है कि हमने इन चीजों को जिया भी है और अपने ऊपर अप्लाई किया है। लास्ट वाला ये है कि अभी मार्च में मेरा रिटायरमेंट है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने अपने आपको सिंपल बना लिया है, 8 मंजिल पैदल चलता हूँ, 1 टाइम मील, खाना 1 वक्त का, कहीं रिटायरमेंट के बाद 1-to-1 फैमिली टू फैमिली बात करेंगे, क्योंकि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आप सब सुन रहे हैं, ठीक है ना, ये तो एफएम हो गया। भाई आपने ट्यूनिंग लगा, आपने खोल लिया आकाशवाणी एफएम गोल्ड, खोल लिया तो आपने सुन लिया, नहीं खोला तो नहीं सुना। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे, कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, किसी का मन है तो नहीं सुना। इंटरेक्शन आप तो मैनेजमेंट में तो जानते हैं ना, टू वे कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन टू वे होगा, जब तक वन वे होगा तो कम्युनिकेशन होगा ही होगा नहीं, कम्युनिकेशन तो तभी होगा ही नहीं, इसलिए बोलने का फायदा नहीं है। इसलिए मेरे को वक्ता वाला ना, अगर हम बात करेंगे, दीपाली हम बैठे बैठे बात ही कर रहे थे काफी देर, घंटों बात कर, 10 घंटे बात कर लेंगे, लेकिन वन में कैसे बोलेंगे भाई, कितना बोलते जाओगे आप, सामने वाले सुना के नहीं सुना, तो हम ये चाहते हैं सामने वाले क्या सोच रहे हैं हमारा, वही ना, जब तक हम भाई गालिब यही से थे, पड़ोसी तो थे यही के, निजामुद्दीन के, अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, मजा जब है जब एक कहे और दूसरा समझे। तो बात का मजा क्या, फायदा क्या हुआ आपका, इसमें एनर्जी का वेस्टेज है, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, काम कोई भी हो प्रोडक्टिव होना चाहिए। पानी में मैंने इसमें ये पारदर्शी है, इसमें लाल रंग लाल हो जाना चाहिए, अब हम यहाँ आए हैं तो इसकी कोई प्रोडक्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना भाई, प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, मैंने पढ़ाई की है प्रोडक्टिव होना चाहिए। अच्छा एक बात और पढ़ाई, तो कि मैंने ना कभी भी जब मैं बस कंडक्टर था, कबाड़ी का काम किया, तब भी कभी भी रोजगार से नहीं जोड़ा एजुकेशन को, अम्बेडकर से जोड़ के देखता ना कि वो इतने पढ़े थे तो मैं भी पढ़ता रहूँ। अभी 5-6-4-5 साल गैप आ गए तो मुझे लग रहा है कुछ बीच में गैप हो गया, कुछ करना है अभी। तो प्रेरणा लेना, उसे अप्लाई करना, अब जैसे कि वो क्या था अपना गाइडेंस मैंने किया, मेरी बेटी थी 5.5 साल में बोलना शुरू किया उसने, उसी मैंने गाइडेंस का कोर्स किया, फिर उसको अब उसने MSW कर लिया इग्नू से, इग्नू का पास आउट परसेंटेज तो बहुत कम है ना, सभी जानते हैं वहाँ से पास करना बहुत मुश्किल है, उसने पास कर लिया। तो मैंने उसे अप्लाई किया ना गाइडेंस को, जो कोर्स मैंने किया, जो चीज मैंने पढ़ते हैं उसे अप्लाई करना चाहिए। तो मैं तो भाई अप्लाई करता हूँ, मैं तो प्रयोग धर्मी हूँ और अम्बेडकर को जीता हूँ, मैं अम्बेडकर पे फूल माला चढ़ाने के भी खिलाफ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि अम्बेडकर की फोटो पे फूल माला वाला नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, ये नहीं है, क्या जरूरत है, अगर हमने आइडोलाइज कर दिया उस मूर्ति स्थापना कर दी तो भैया मूर्ति तो मूर्ति बन जाएगी, फिर हमें तो विचार अपना है ना, मैंने तो अम्बेडकर को अपनाया हुआ है, बुद्धा को भी अपना लिया, 1 टाइम मील में, जेल मेडिटेशन 98 में पढ़ी थी, जेल मेडिटेशन एक किताब है वो मोतीलाल बनारसी दास से छपी है, उसमें ये सिद्धांत दिया हुआ था वो भिक्षुओं का, उन्होंने वो सिद्धांत बताया, मैंने लॉजिकली एक्सेप्ट कर लिया, अल्टीमेटली अब जाके वो 2014 में इम्प्लीमेंट हो पाया, ब्रेन ने जब अच्छी तरह एक्सेप्ट, सबकॉन्शियस हम जो है ना, जो सबकॉन्शियसली काम करते हैं, कॉन्शियस वही बुद्धा वाले सिद्धांत तो है ये, तो कॉन्शियस होके काम करें। अभी भी जब हम घर में जैसे मेरा चाय बनाने का, तो मेरे खेल जब से परमानेंटली है, बच्चे 30-35-40 साल से मैं ही बनाता हूँ,
तो जब चाय, मैं थोड़ा सा वही बुद्धिज्म की बात कर रहा हूँ, जब हम चाय को उतार के ना ऐसे तक लाते हैं तब भी दिमाग सोचता है उसके बारे में, तो हम कोई भी काम करें कॉन्शियसली करना चाहिए, ठीक है? अंतिम सेंटेंस यही है कि कॉन्शियसली काम काम करें। धन्यवाद, आपने सुना वही कॉन्टेनियस दिमाग में आया, मैंने बोल दिया क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ और मेरे को मेरी शब्दावली भी सामान्य आप जैसी अति सामान्य है। बहुत कहावत है कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। सिंपलिसिटी इज स्पेशलिटी। अच्छा एक कविता मैं सुना दूं, क्योंकि अंबेडकर और सरस्वती के टकराव की कविता है जी, उसे आप सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा शायद आपको। देर हो गई है लेकिन वो कविता छोटी सी कविता भी लेकिन अंबेडकर के उसको आगे ले जाया गया है सरस्वती को पीछे छोड़ के। अरे सर हाँ, मेरी एक 50 ईयर्स होगी तो उसी पे मैंने लिखा था कि मुझे सरस्वती के साधन से कुछ नहीं मिला, अंबेडकर की वजह से मिला है। कविता में तुकबंदी तो होती है आप जानते हैं, अर्ध शताब्दी के परिश्रम जी। कल्पना की कि मैं सरस्वती से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो करते ना दीपक जला के वरदे वरदे शारदा मानो वरदे, अर्ध शताब्दी के परिश्रम और सालों की साधना के बाद करता रहा अर्ध शताब्दी के परिश्रम और सालों की साधना के बाद सरस्वती मुझसे बोली, अरे ओ चांडाल भंगी तू मुझे वरेगा, बता तू किस पर कविता करेगा। परिश्रम से टूटे पसीने से भीगे उजले मन और गंदे तन के स्वामी, तेरे कल्पना रहित मस्तिष्क पर तेरे अनुभव भारी हैं, तेरे मस्तिष्क में ताजे गु सड़े गु सूखे गु हर प्रकार की बीमारी वाले व्यक्तियों के गू, नवजात से लेकर मरणासन्न व्यक्ति के गू की दुर्गंध तारी है, तारी है। जमींदार सूदखोर और बेगारी खोर का भय भरा है, जमींदार सूदखोर और बेगारी खोर का भय भरा है। अभी वो आयोगी ना यूट्यूब पे वो बहुत चल रहा है ना, शामली का एक मामला पिटाई का, वो आपने देखा होगा वैसा ही बिल्कुल। जमींदार सूदखोर बेगारी खोर का भय भरा है और भरी है छोरी चोर मादर चोर जैसी गालियां, हमारे इलाके जो उत्तर प्रदेश वाले सुनते हैं हरियाणा वाले जानते होंगे, और भरी है छोरी चोर मादर चोर जैसी गालियां, भरा हुआ है नालियों का कूड़ा, बरसात में माहवारी के चीथड़ों की गंध, उस चट्टी का भबका जो होती थी टिन के डिब्बे में बंद। ये मेरा अपना अनुभव है, वो मैंने लिखा है। नगर निगम के सड़ते हुए और उफान मारते शौचालय, बिल बिलाते हुए कीड़े, चाचा ताऊ गांव गुहाड़ रिश्तेदारों की बहु बेटियों के साथ किए गए बलात्कारों का दंश, ये पुराने जमाने बहुत आम बात थी। गांव देहात में ऐसे कहते हैं, आज तो फलाने की पकड़ ली, आज फलाने की पकड़ ली, ऐसे नहीं बोलते थे कि इसके साथ बलात्कार हो गया, बस सिंपल यही था। खेत में जाती थी बहु बेटियां, अरे आज तो उसकी पकड़ ली, आज उसकी पकड़ ली। रिश्तेदारों की बहु बेटियों के साथ किए गए बलात्कारों का दंश, गुरु घंटालो भी चला कि गुरुओं ने बहुत ठगा है, गुरु घंटालो भी चला कि अपनी लाचारी साहूकार की देनदारी, इंतजार के बाद भी ना मिलने वाली बेलदारी। अभी वापस आते हैं, माँ का चाटा बाप का डंडा भाई की मजबूरी चाचा की बेगारी ऐसे में मौत का तांडव। IIM अहमदाबाद में शायद रिसर्च हुई थी, सफाई कर्मचारी भी एवरेज एज 35 ईयर्स है, ऐसे में मौत का तांडव, बेइज्जती की कमाई, ठेकेदार द्वारा की गई लुटाई, आज भी बहुत सारे लुट रहे हैं भंगी, देवता की कढ़ाई रोज होती है शाम को, देवी का बच्चा गुड़गावे वाली, देवी का बच्चा कौन की बोतल, पीर का मुर्गा, पुलिस का फंडा, आधे लोगों में पुलिस का ही लगा रहता है, पुलिस का फंडा मौलवी का गंडा तबीजों से वहां भरी रहती है, सुअर का लिंडा आंगने बिखरे रहते हैं, चालबाज पुजारी का चंदा जो लूटे जाते हैं, और टीचर द्वारा की गई मां बहन की गाली के कारण
फिजिक्स का टीचर था, धर्मपाल त्यागी नाम था, आज भी याद है, ऐसी गालियां बकता था, फिजिक्स से फेल हो गया। फिर बारहवीं, नहीं टेंथ तो मैंने कर लिया, लेकिन बारहवीं में फेल हो गया, पीसीएम था मेरे पास। टीचर द्वारा की गई मां बहनी गाली के कारण ना पढ़ पाने का दर्द इस कदर हावी है कि अध्ययन मनन और चिंतन, कल्पना की उड़ान, आनंद का विमान तेरे हिस्से में नहीं है और तुझसे कविता लिखवाना मेरे बस में नहीं है। ये जो लिखी है।